चलिए नेक्स्ट देखते हैं. रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स इन अ लाइन. किसी लाइन में एक या फिर एक लाइन में या फिर ये कह सकते हैं एक सेंटेंस में एक से अधिक रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड. एक ही साउंड का दो या दो से बार आना, रिपीट होना क्या कहलाता है. रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स इन अ लाइन. किसी भी लाइन में किसी साउंड का दो या तीन बार आना क्या कहलाता है. ये अब तो अलंकार बन जाता है ना. किसी ध्वनि की जब बारंबारता होती है, आवृत्ति होती है दो तीन बार में, तो इलिटरेशन ये एक अलंकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, अनुप्रास अलंकार इलिटरेशन. द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड. यहां पर वन होना चाहिए. द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड. स्कूल या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ा हो. वैसे तो हम ये बोलते हैं ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ओके. लेकिन जिसमें जिस संस्था में, जिस स्कूल या कॉलेज में आप पढ़े हैं, जिसमें आप एजुकेटेड हुए हैं, जिसमें आपने एजुकेशन को प्राप्त की है, उस कॉलेज स्कूल को हम क्या बोलते हैं. इट इज कॉल्ड अल्मा मैटर. इट इज कॉल्ड अल्मा मैटर. वो स्कूल जहां पर शिक्षा पाई, जहां शिक्षा पाई वह संस्था, वह इंस्टीट्यूट जहां पर आप एजुकेटेड हुए हैं. नेक्स्ट देखेंगे. अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स होता है देवता. ऑफरिंग्स मीन्स जो बलिदान देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं. तो अ टेबल और फ्लैट सरफेस, एक टेबल या फिर फ्लैट सरफेस के ऊपर रख करके और उसको काट देते हैं, जैसे कि बलि चढ़ाते हैं किसकी, बकरे की या फिर जिसकी भी चढ़ाते हो. अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डीटी. देवताओं को जो बलि चढ़ाते हैं, जिस स्थान पर चढ़ाते हैं, वह जो टेबल होता है या फिर जो फ्लैट सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं. इट इज कॉल्ड अल्टर, बलि वेदी. जिस पर बलि चढ़ाते हैं, जिस पे हम बलि देते हैं, इट इज कॉल्ड अल्टर, बलि वेदी. बलि चढ़ाना तो एक मेरे हिसाब से ठीक परंपरा नहीं है. आपके हिसाब से कैसा है देवताओं को बलि चढ़ाना. मेरे हिसाब से इट इज रॉन्ग. अगर कहीं होता है तो इसको बिल्कुल ही इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, बंद करना चाहिए. जीव की हत्या सबसे बड़ा अपराध. इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस. लैंड सरफेस की ऊंचाई को मापने का एक यंत्र. मेजर द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस. ऐसे औजार को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे यंत्र को जो ऊंचाई को मापता है उसको क्या बोलते हैं. ऊंचाई मापने का यंत्र. इट इज कॉल्ड अल्टीमीटर. इट इज कॉल्ड अल्टीमीटर, ऊंचाई नापने का यंत्र. नेक्स्ट वर्ड, द हाइट अबव द सी लेवल. समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, द हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं. इट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड क्या कहलाता है. समुद्र तल से, सी लेवल से, सॉरी समुद्र के सरफेस से. समुद्र तल तो बहुत गहरा हो जाएगा. सी लेवल से, सी के समुद्र के लेवल्स की जो ऊंचाई होती है, उसके ऊपर की जो ऊंचाई होती है उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं. नेक्स्ट 26 नंबर. अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी. स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मर स्टूडेंट है, जो भूतपूर्व छात्र है, उसको क्या बोलते हैं. अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी. इट इज कॉल्ड एल्यूमनस. एल्यूमनस मीन्स भूतपूर्व छात्र. एक्स स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी. ओके नेक्स्ट देखेंगे.
फियर ऑफ राइडिंग हर कार, कार चलाने का डर, क्या कोई भी गाड़ी चलाने का डर, यानी कि वाहनों का डर एक तरह का फोबिया है। फियर ऑफ कहीं भी लगा होता है, एक तरह का फोबिया होता है। फियर ऑफ राइडिंग अ कार, कार चलाने का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं, एमैक्सोफोबिया। इट इज कॉल्ड एमैक्सोफोबिया, वाहनों का डर। ओके नेक्स्ट, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा तो उसमें जो प्रोफेसर हैं, जिनको स्टूडेंट्स वहाँ पे वायरस बुलाते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पर दोनों हाथ से लिखते हैं, दोनों हाथ से लिखते हैं। ठीक है, तो एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, दोनों हाथ से लिखना, राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से, क्या कहलाता है ये। इट इज कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस, उभय हस्त, दोनों हाथ से लिखने की जो कला होती है, दोनों हाथ से लिखने की जो प्रैक्टिस होती है, इट इज कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस, उभय हस्त। नेक्स्ट देखेंगे, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का यानी कि याददाश्त पार्शियल, आंशिक रूप से खो जाना या फिर पूर्ण रूप से खो जाना। अ पार्शियल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस या फिर पार्शियल लॉस मेमोरी की क्या कहलाता है। आंशिक रूप से हम मेमोरी को, याददाश्त को खो दे या फिर पूरी तरह से खो दे, उसको हम क्या कहते हैं, एमनीशिया, भूलने की बीमारी। एमनीशिया में तो लोग अपने बच्चों को भूल जाते हैं और अपने हस्बैंड को भूल जाते हैं, अपने फैमिली को भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। अभी 2 सेकेंड पहले क्या बोला वो भी नहीं याद रहता, एमनीशिया। 30, एन ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियली किसी को क्षमा कर देना, क्या कहलाता है। एन ऑफिशियल पार्डन, इट इज कॉल्ड एमनेस्टी, राज क्षमा। ऑफिशियली, ऑफिशियली किसी को माफ कर देना, क्या कहलाता है, एमनेस्टी, राज क्षमा।